हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेश्री एजुकेशन पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने इसके पहले वीडियो पे शब्द वर्णमाला तमाम प्रकार की वीडियो पढ़े हैं और सीखे भी हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाक्य क्या होता है। वाक्य आप लोगों ने बचपन से बहुत पढ़ा होगा, लेकिन वाक्य में कुछ विशेष चीज़ें हैं, जैसे जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आपने सीधा पढ़ा होगा वाक्य क्या होता है, उसके प्रकार। लेकिन वाक्य जो बनता है उसके आधार पर वाक्य बनने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो वाक्य होता है ना, वाक्य होता है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, है ना। मेरी भाषा सुनो यार, मेरी भाषा में शब्दों के सार्थक समूह को, समूह है ना, शब्द का समूह होना चाहिए। मतलब एक मैं एक एक शब्द, देखो जैसे मैंने एक शब्द लिखा, नहीं लिखा, जब एक एक शब्द मैंने जोड़ा तो एक मेरा क्या बन गया, वाक्य बन गया। एक समूह भी बना और समूह के साथ बनने के साथ एक क्या बन गया, वाक्य। लेकिन अभी ये पूरा नहीं है, अभी ये अधूरा है। कहा जाता कि सार्थक समूह होना चाहिए। सार्थक समूह का मतलब अरे अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। तो शब्दों के सार्थक जो समूह होते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं, और इन वाक्यों को निर्माण के लिए छह तत्व बहुत ही आवश्यक हैं। छह तत्व इसके लिए बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहला सार्थकता होता है ना। सार्थकता का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसका क्या निकले, अर्थ निकले। जैसे मैं कहूँ कि राजेश पानी खाता है, राजेश पानी खाता है, ये ऐसा होता है क्या कि वाक्य तो बन गया, लेकिन ये कैसा शब्द है, ये कैसा वाक्य कि राजेश पानी खाता है। नहीं भैया, राजेश पानी नहीं खाता है, राजेश पानी पीता है। समझ गए कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आपने शब्द शब्द जोड़ दिया तो समूह बन गया और वाक्य बन गया। नहीं, उसमें क्या होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए। क्लियर है बात की नहीं? अब इसी प्रकार निकटता, निकटता का मतलब समीप होता है। जैसे आप लोग ना एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि कॉपी में, जब एग्ज़ाम में देते हैं कॉपी में लिखने के लिए, तो जल्दी से बी कॉपी मांगते हैं, सी कॉपी मांगते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ, चार ही शब्द में पूरी लाइन भर देते हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं, और लेफ्ट साइड से भी ऐसी लाइन खींच देंगी, राइट साइड से भी खींच देंगी, अरे उनका बस चले तो बीचों में खींच दें, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं कि कॉपी जल्दी भर देते हैं, बी कॉपी सी कॉपी भर देते हैं। अगर पेज फुल होगा तो नंबर फुल हो जाएगा, ये ऐसा लोगों का ट्रिक है। तो लेकिन फिलहाल आप लोग अच्छे हो मुझे पता है। तो निकटता मतलब शब्दों में इतनी निकटता होनी चाहिए कि जितने, जिससे मतलब शब्द वाक्य बनना चाहिए। तो राम बाजार गया, ये इतना जो है गैप नहीं होना चाहिए, इतना है ना, इतना निकट होना चाहिए, राम बाजार गया, ये आपका सही है, ठीक है। इतना गैप रखिए ताकि पढ़ने में भी आसानी रहे, पता चला कि तीर घाट मीर घाट वाला काम कर रहे हैं ना। तीसरी बात करें योग्यता। योग्यता समझते हैं, जैसे हर, जैसे घोड़ा है, घोड़ा उड़ता है, क्या बताइए ये योग्यता है, घोड़ा उड़ेगा। हाँ, पक्षी मैं कहूँगा, पक्षी जो है नदी में तैरती है, ये सही है, नहीं। तो योग्यता भी होनी चाहिए, वाक्यों में भी योग्यता होनी चाहिए। तो घोड़ा उड़ता है ये गलत है, घोड़ा क्या करता है भैया, घोड़ा दौड़ता है, ठीक है। चौथी बात करें पद क्रम की, क्या बात करेंगे, पद क्रम। पद क्रम का मतलब जो आपका होना चाहिए, शब्द होना चाहिए, वो क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे मोहन है खाता, ये क्या क्रम व्यवस्थित है, नहीं। अरे ये कैसा सेंटेंस है, क्रम व्यवस्थित नहीं है, मोहन खाता है, पहला गलत है, दूसरा क्या सही है। तो वाक्य में क्या होना चाहिए, पद क्रम भी, यानी उसका क्रम जो है सही होना चाहिए, हर एक पद का क्रम सही होना चाहिए, ठीक है। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब होता है, जैसे अगर मैं खिलाड़ी की बात करूँ, सिंगर की बात करूँ, गायक, अगर गायक बोलेंगे तो गाना गाएगा, और किसकी बात करते हैं, खिलाड़ी की बात करें तो खेलने वाली बात होगी। तो मतलब होता क्या कि एक ऐसा नाम लेने से एक आकांक्षाएं पैदा हो जाती है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। जैसे मैं कहूँ खिलाड़ी अंतिम गेंद पर आउट हुआ, ये तो समझ में आया। अगर मैं कहूँ खिलाड़ी हवा में उड़ता है, अरे ये कैसे हो सकता है भैया, खिलाड़ी हवा में उड़ेगा, पक्षी हवा में उड़ते हैं, ऐसा ये बोलना चाहिए ना। तो आकांक्षाएं भी शब्द से ही पता चल जाएंगे, वाक्य से ही समझ में आना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं क्या है वाक्य से, ठीक है बेटा। आगे है, नेक्स्ट है अन्वय। अन्वय का मतलब कहता है कि जैसे एक ऐसा वाक्य जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल का मेल होना चाहिए। मतलब ऐसा हो जैसे सीता एक पढ़ा लिखा लड़का है,
हाँ मैंने गलत लिखा ही हुआ है कि सीता क्या भैया, कि सीता एक पढ़ा लिखा लड़का है, सीता बताइए एक लड़की है, और यहाँ लिखा क्या लड़का, तो लिंग का भी तो ध्यान देना चाहिए कि नहीं ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से उसमें ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल सबका क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। तो इसका सही क्या हो जाएगा, सीता एक पढ़ी लिखी क्या है, एक लड़की है। समझ में आएगी, ऐसे वाक्य बनता है। ऐसा थोड़ी है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अरे नहीं, अर्थ तो निकलता है लेकिन ऐसा अर्थ निकलना चाहिए जिसमें ये सब होने चाहिए, ये जो तत्व हैं उसमें सार्थकता भी होनी चाहिए, निकटता, योग्यता, पदक्रम, आकांक्षाएं और अन्वय होना चाहिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार, कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में छोटा सा एक इंट्रो पार्ट था कि वाक्य बनता कैसे है। फिलहाल अगर आप लोगों ने अभी तक, हाँ एक बात और, बेल आइकन को दबाया, सब्सक्राइब करो, लेकिन ये सारे नोट्स आपको सब टेलीग्राम पे मिलेंगे, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए वहाँ पे लिंक पे ऐसे क्लिक करिए और आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, और सारे नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, एक भी रुपये नहीं लगेगा, ठीक है। और यार मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। जय।